नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का हमारा ये खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने हालिया घटनाक्रम को झूठा बताए जाने पर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। अपने दावे पर अड़ी मालीवाल ने विरोधियों को फिर से चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि उनके बारे में झूठी व गंदी बातें कर डरा देंगे, उनको मैं बता दूं कि मैंने सर से कफन बांध रखा है। इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने कई बार बड़े काम किए हैं, कई बार अटैक हुआ है, लेकिन वह रुकी नहीं है। हर अत्याचार के बाद उनके अंदर की आग और बड़ी है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता और जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूँगी। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि शराब के नशे में धुत एक युवक ने उन्हें घसीटने का प्रयास किया था। आरोपी की कार में उनका हाथ फंस गया था, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। उन्होंने बताया था कि ये घटना सच एम्स के बाहर की है, जिनकी शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया है। इधर इस मामले में को लेकर बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल ने खुद ये बखेड़ा खड़ा किया है। सांसद मनोज तिवारी ने बाकायदा वीडियो वायट मीडिया को भेजकर इसे स्टिंग भी बताया है। गुरुवार की इस घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी अगले दिन शुक्रवार को फ्रंट पर आ गई। कहा कि आरोपी युवक जिसे कार चालक बताया जा रहा है, वह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इससे जाहिर होता है कि स्वाति मालीवाल ने ड्रामा किया है और इसके षड्यंत्र का खुलासा हो गया है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हरीश चंद्र सूर्यवंशी पर स्वाति मालीवाल को घसीटने का आरोप है। हरीश आम आदमी पार्टी के संगम विहार दक्षिण दिल्ली का कद्दावर नेता है। उन्होंने हरीश की एक तस्वीर भी सार्वजनिक की है। इसमें वह आम आदमी पार्टी के लिए आप विधायक प्रकाश जरवाल के साथ प्रचार भी कर रहा है। महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर बीजेपी नेता साजिया इल्मी और सांसद मनोज तिवारी ने भी हमला बोला है। साजिया इल्मी ने आरोप लगाया है कि एक समाचार चैनल और आम आदमी पार्टी के बीच पैचअप है, इसी पैचअप के तहत इस घृणित घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दिया है कि पुलिस ने बहुत ही कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा किया है। इधर सांसद मनोज तिवारी ने भी वीडियो वाइट मीडिया को भेजकर इस पूरे प्रकरण को आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र बता दिया है। दिल्ली में आप सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में एलजी बीके सक्सेना के साथ गतिरोध जारी है। वही केजरीवाल लगातार एलजी बस राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं। यह गतिरोध सदन को लेकर चल रहा था। इसी क्रम में केजरीवाल ने इस घटना को लेकर भी एलजी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस और एलजी की नीति और नियत पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए देखते रहे सैफी 24 न्यूज़।